हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण परमार, असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे गुजरात पुलिस कॉन्स्टेबल तैयारी यूट्यूब चैनल में तमारू स्वागत करूँ। आज आप 15 मार्क्स टेस्ट जोईशू। तमारा जवाब केटला साचा पड़े तमे कॉमेंट बॉक्स में जणावी सको छो। आनो भाग 49 से भाग तमे आगळना ना जोया होय तो चोक्कस तमे जोई लेजो, कॉन्स्टेबल नी तैयारी में तमने फायदारूप थशे। चालो आज वीडियो स्टार्ट करिए। स्टार्ट करता पहला जो चैनल ने सब्सक्राइब न करी हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, वीडियो ने लाइक शेयर कर दो, वीडियो तुम पूरा देखो। बराबर, वीडियो पूरा देखो तो तुमने बधा ज क्वेश्चन विषय में संपूर्ण समझूती आपीश। तो चलो आज वीडियो स्टार्ट करिए। पहले क्वेश्चन है आज फौजदारी कार्यपद्धति अधिनियम 1973 की जोगवाई मुजब गुना काम धरपकड़ कर व्यक्ति ने नीचेना माथी कयो हक होतो नथी। टूंक में जे पकड़ायेल व्यक्ति होय गुनामां, बराबर, एने कयो हक होतो नथी। ऑप्शन नंबर ए, धरपकड़ना कारणनी माहितीनो हक। ऑप्शन नंबर बी, तेना घरेथी पोतानी पसंदगीनु भोजन करवानो हक। ऑप्शन नंबर सी, पूछपरछ दरमियान पोतानी पसंदगीना वकीलने मळवानी परवानगीनो हक। अने ऑप्शन नंबर डी, जो गुनो जामीनपात्र होय तो जामीन मेळववानो हक। बराबर, आ चार ऑप्शन अहीं आपवामां आवेला छे। तो पहेलो ऑप्शन धरपकड़ना कारणनी माहितीनो हक, बराबर, ए हक तो एने होय छे। त्रीजो हक पण होय वकीलने मळवानो हक, अने चौथो जामीनपात्र होय तो जामीन मेळववानो पण एने हक होय छे। परंतु जो ऑप्शन नंबर बी छे ए हक होतो नथी, तेना घरेथी पोतानी पसंदगीनुं भोजन करवानो हक होतो नथी। मतलब ऑप्शन नंबर बी आनो साचो जवाब थई जशे, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर बे, चित्तौड़नी कई राणीए हुमायूने राखड़ी मोकलावी हती। चित्तौड़नी कई राणीए हुमायूने राखड़ी मोकलावी हती। ऑप्शन नंबर ए, राणी रूपवती। ऑप्शन नंबर बी, राणी कर्णावती। ऑप्शन नंबर सी, राणी धरावती। धरावती, बराबर, अहीं धरावती छे, धरावती। अने ऑप्शन नंबर डी, एक पण नहीं। तो साचो जवाब थई जशे आनो ऑप्शन नंबर बी, राणी कर्णावती। बराबर, राणी कर्णावतीए हुमायूने राखड़ी मोकलावी हती। प्रश्न नंबर त्रण, ईमेलना सरनामाना बे भागने कया चिन्ह वडे जुदा पाडवामां आवे छे। बराबर, तमारे पण ईमेल एड्रेस हशे ज तो तमने खबर ज हशे वच्चे क्यूँ साइन आवे छे, क्यूँ चिन्ह आवे छे। साचो जवाब छे ऑप्शन नंबर बी, ईमेलनुं जे सरनामुं होय एने एट द रेट वडे बे भागमां वहेंचवामां आवे छे। जेम के मारुं एड्रेस ईमेल एड्रेस छे पी तरुण बराबर 767@gmail.com। बराबर, तो एट द रेट वच्चे आपणे राखीए छीए, एनाथी ईमेल एड्रेस जे होय आपणुं एना बे भाग पड़ी जाय छे। प्रश्न नंबर चार, काठियावाड़ना शाहजहाँ तरीके कोण ओळखाय छे। काठियावाड़ना शाहजहाँ तरीके कोण ओळखाय छे। ऑप्शन नंबर ए, गोंडलना भगवत सिंहजी। ऑप्शन नंबर बी, राजकोटना लाखाधीराज। ऑप्शन नंबर सी, नवागरना नवानगरना रणजीत सिंहजी। अने ऑप्शन नंबर डी, मोरबीना वाघजी बे। बराबर, तो साचो जवाब थई जशे मोरबीना वाघजी बे। बराबर, काठियावाड़ना शाहजहाँ तरीके कोण ओळखाय छे। ऑप्शन नंबर डी, मोरबीना वाघजी बे। प्रश्न नंबर पांच, मिलकत विरुद्धना गुनाओ आईपीसी 1860 कई कलम हेठळ दर्शाववामां आवे छे। मिलकत विरुद्धना गुनाओ आईपीसी 1860 कई कलम हेठळ दर्शाववामां आवे छे। ऑप्शन नंबर ए, 378-420। ऑप्शन नंबर बी, 378-414। ऑप्शन नंबर सी, 378-462। अने ऑप्शन नंबर डी, 378-480। बराबर, तो बधामां स्टार्टिंग तो 378 थी थाय छे। साचो जवाब छे ऑप्शन नंबर सी, 378-462 मिलकत विरुद्धना गुनाओ, 378-462। प्रश्न नंबर छ, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड 1973 ना कायदा मुजब कोईपण अदालत मात्र कोने रेफरन्स करी सके। बराबर, कोईपण जे अदालत होय ए कोने रेफरन्स करी सके। ऑप्शन नंबर ए, सिविल कोर्ट ने। ऑप्शन नंबर बी, हाईकोर्ट ने। ऑप्शन नंबर सी, सेशन्स कोर्ट ने। अने ऑप्शन नंबर डी, ट्रिब्यूनल ने। बराबर, तो बधाने आनो जवाब आवडतो जशे। साचो जवाब थई जशे आनो ऑप्शन नंबर बी, हाईकोर्ट ने। बराबर, हाईकोर्ट ने रेफरन्स करी सके छे, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर सात, भारतीय कोर्ट कोईपण देशना कायदाने लगतो अभिप्राय पुरावा कायदानी कलम 38 अंतर्गत। बराबर, भारतीय कोर्ट कोईपण देशना कायदाने लगतो अभिप्राय पुरावा कायदानी कलम 38 अंतर्गत कई बाबतोने ध्यानमां राखीने आपी सके छे। बराबर, मोटो प्रश्न छे अहींया समजवानो छे। सिम्पल वात छे के बीजा कोईपण देशना लगतो कायदानो अभिप्राय आपवानो थाय तो आपणी जे पुरावा कायदानी कलम 38 छे अंतर्गत बराबर बाबतोने कई बाबतोने ध्यानमां राखीने आपी सके छे। ऑप्शन नंबर ए, ते देशना कायदाना पुस्तको अन्वये। ऑप्शन नंबर बी, ते देशनी अदालतोए आपेल निर्णयो अन्वये। ऑप्शन नंबर सी, ए अने बी बंने। अने ऑप्शन नंबर डी, एक नहीं। साचो जवाब थई जशे आनो ऑप्शन नंबर सी, ए अने बी बंने। मतलब ते देशना कायदाना पुस्तको अन्वये अने ते देशनी अदालतोए आपेल निर्णयो अन्वये, बंने साचा छे। ऑप्शन नंबर सी आनो साचो जवाब थई जशे। प्रश्न नंबर आठ,
आईपीसी 1860 मुजब बदनक्षीना गुना बदल केटली सजानी जोगवाई छे? आईपीसी 1860 मुजब बदनक्षीना गुना बदल केटली सजा छे? ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष सुधीनी कैद अथवा दंड अथवा बंने। ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष सुधीनी कैद अथवा दंड अथवा बंने। ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष सुधीनी कैद अथवा दंड अथवा बंने। ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष सुधीनी कैद अथवा दंड अथवा बंने। बराबर, तो अहीं पाछळनो तो कॉमन छे, अथवा दंड अथवा बंने ए तो कॉमन ज भाग छे। तो तमारे टूंक में 1 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष के 2 वर्ष ए 4 માંથી શું આવે એ તમારે નક્કી કરવાનું છે। પ્રશ્ન નંબર 8નો જવાબ હું તમને નહીં આપું, તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનો છે કે આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ શું છે। પ્રશ્ન નંબર 8નો સાચો જવાબ શું છે તમે ઓપ્શન નંબર અથવા તો 1 2 3 4 જે પણ હોય એ જણાવી શકો છો। પ્રશ્ન નંબર 9, અદાલતનો તિરસ્કારની જોગવાઈ આઈપીસી 1860 ની કઈ કલમ હેઠળ આપવામાં આવે છે? અદાલતનો તિરસ્કારની જોગવાઈ આઈપીસી 1860 ની કઈ કલમ હેઠળ આપવામાં આવે છે? ऑप्शन नंबर ए कलम नंबर 228, ऑप्शन नंबर बी कलम नंबर 299, ऑप्शन नंबर सी कलम नंबर 230 અને ऑप्शन नंबर डी 231। बराबर, तो साचो जवाब थी जैसे आ प्रश्न नो ऑप्शन नंबर ए कलम नंबर 228। बराबर, अदालत नो तिरस्कार आईपीसी नी कलम नंबर 228 માં बराबर એનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે। प्रश्न नंबर 10, हस्ताक्षरनी ओळखनो प्रश्न कई कार्यवाहीमां अगत्यनो भाग भजवे छे? हस्ताक्षरनी ओळखनो प्रश्न कई कार्यवाहीमां अगत्यनो भाग भजवे छे? ऑप्शन नंबर ए फौजदारी, ऑप्शन नंबर बी दीवानी, ऑप्शन नंबर सी पिनल कोड अने ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तमाम। बराबर, तो हस्ताक्षरनी ओळखनो प्रश्न कई कार्यवाहीमां अगत्यनो भाग भजवे छे? फौजदारी, दीवानी, पिनल कोड अने ऑप्शन नंबर डी छे उपरोक्त तमाम। तो आनो साचो जवाब थई जशे ऑप्शन नंबर बी दीवानी। हस्ताक्षरनी ओळखनो प्रश्न दीवानी कार्यवाही जे होय एमां अगत्यनो भाग भजवे छे। प्रश्न नंबर 11, जाहेर हिसाबी समितिमां कुल केटला सभ्यो होय छे? बराबर, जाहेर हिसाबी समितिमां कुल केटला सभ्यो होय छे? ऑप्शन नंबर ए 33, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 30 અને ऑप्शन नंबर डी छे 22। बराबर, जाहेर हिसाबी समितिमां कुल केटला सभ्यो होय छे? साचो जवाब थई जशे आनो ऑप्शन नंबर डी 22। बराबर, जाहेर हिसाबी समितिमां कुल केटला सभ्यो होय छे? ऑप्शन नंबर डी એટલે કે 22 સભ્યો હોય છે। પ્રશ્ન નંબર 12, બંધારણ મુજબ નીચેનામાંથી કયો અધિકાર કટોકટી દરમિયાન મોકૂફ ન રાખી શકાય? બરાબર, બંધારણ મુજબ કટોકટી દરમિયાન કયો અધિકાર મોકૂફ ન રાખી શકાય? ઓપ્શન નંબર એ સભાઓ યોજવાનું સ્વતંત્રતા, ઓપ્શન નંબર બી અંગત સ્વતંત્રતાનો અધિકાર, ઓપ્શન નંબર સી હરવા ફરવાનો સ્વતંત્રતાનો અધિકાર અને ઓપ્શન નંબર ડી વાણી સ્વતંત્રતા। तो कटोकटी जारे लागू पाड़वामां आवे बराबर त्यारे कयो अधिकार मोकूफ न राखी शकाय एवो प्रश्न अहींया करवामां आव्यो छे। तो साचो जवाब थई जशे आ प्रश्ननो ऑप्शन नंबर बी। बराबर, अंगत स्वतंत्रतानो अधिकार जे होय नागरिकनो ए मोकूफ न राखी शकाय ए बराबर ए अधिकार एमने होय छे कटोकटीथी, एनाथी कंई फरक पड़तो नथी, अंगत स्वतंत्रतानो अधिकार ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13, प्रधानमंत्री कोणे जवाबदार छे? प्रधानमंत्री कोणे जवाबदार छे? ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अने राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अने ऑप्शन नंबर डी छे विधान परिषद। बराबर, तो आनो साचो जवाब थई जशे ऑप्शन नंबर सी लोकसभा। याद करी लेजो प्रधानमंत्री कोणे जवाबदार होय छे? ऑप्शन नंबर सी लोकसभा ने जवाबदार होय छे। प्रश्न नंबर 14, कया खरडा बाबते राज्यसभा करता लोकसभा वधारे सत्ताओ धरावे छे? बराबर, इम्पोर्टंट क्वेश्चन छे, कया खरडा बाबते राज्यसभा करता लोकसभा वधारे सत्ताओ धरावे छे? ऑप्शन ए नाणाकीय, ऑप्शन नंबर बी बंधारणीय, ऑप्शन नंबर सी सामान्य अने ऑप्शन नंबर डी छे सामाजिक। बराबर, ऑप्शन नंबर डी छे सामाजिक। तो सीम्पल छे, बराबर बधाने खबर ज हशे ऑप्शन नंबर ए आनो साचो जवाब थई जशे। नाणाकीय बाबतो होय बराबर त्यारे खरडामां लोकसभा राज्यसभा करता लोकसभा वधारे सत्ताओ धरावे छे। नाणाकीय खरडो होय त्यारे राज्यसभा करता लोकसभा वधारे सत्ताओ धरावे छे। प्रश्न नंबर 15, आजनो लास्ट क्वेश्चन छे, विश्व बाळ मजूरी विरोधी दिवस क्यारे उजववामां आवे छे? विश्व बाळ मजूरी विरोधी दिवस क्यारे उजववामां आवे छे? ऑप्शन नंबर ए 12 जून, ऑप्शन नंबर बी 15 जून, ऑप्शन नंबर सी 22 जून अने ऑप्शन नंबर डी 28 जून। बराबर, विश्व बाळ मजूरी विरोधी दिवस क्यारे उजववामां आवे छे? साचो जवाब थई जशे आनो ऑप्शन नंबर ए 12 जून। बराबर, 12 जूनना दिवसे आ
બરાબર વિશ્વ બાળ મજૂરી વિરોધી દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. તો 15 ક્વેશ્ચન મેં લીધા છે, તમારા જવાબ કેટલા સાચા પડે છે તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી શકો છો, કોઈ સજેશન હોય તો પણ જણાવી શકો છો. કમ્પ્લેન છે બરાબર કે ક્વેશ્ચન ઓછા છે તો મેં વધારે ક્વેશ્ચન લેવાનો ટ્રાય કરું છું. તો આમાં મેં 15 ક્વેશ્ચન લીધા છે, લાસ્ટ વિડીયોમાં પણ આપણે 25 ક્વેશ્ચન લીધા હતા. કંઈ ક્વેરી હોય તો પૂછી લેજો, અને એક ક્વેશ્ચન એમાં પૂછ્યો છે બદનક્ષી માટે, એ તમે જણાવી શકો છો જવાબ એનો કોમેન્ટમાં. તો મળીએ નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી જય હિન્દ જય ભારત.